अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम खान है और मैं मास्टर्स ग्रेजुएट हूँ और अब मैं एक लिवर डोनर हूँ। मैंने अपने फादर को लिवर डोनेट किया है। मेरे फादर को लिवर साइरोसिस था, जिस वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और ठीक नहीं थे वो। तो अब जाहिर सी बात है, आप अपने पेरेंट्स को ऐसी कंडीशन में तो नहीं देख सकते, तो आप कोशिश करोगे कि आप कुछ भी करो उनके लिए। तो मैंने किया है, मैंने अपना लिवर डोनेट किया उनको। हम PKLI में आए थे तो उन्होंने बताया कि इनको लिवर साइरोसिस है और इसका हल सिर्फ एक ट्रांसप्लांट होना है। मेरा भाई पहले डोनर था, उसने अपना लिवर चेक करवाया लेकिन उसका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने आगे होके कहा कि मैं लिवर डोनेट करूँगी अपना, और फिर मैंने कर दिया। जब मुझे पता चला कि मैंने लिवर डोनेट करना है और जब फैमिली में भी सबको पता चला, तो ऑब्वियसली हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाना है और ये। लेकिन मुझे सीरियसली मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था, इसलिए इतनी आसानी से सब कुछ हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरे फादर भी बिल्कुल ठीक है। तो एज अ मदर मैं बहुत परेशान थी। ज़्यादातर हर मदर के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कि वो अपने बच्चे को इस तरह ऑपरेशन थिएटर में और ICU में, और ये सब चीज़ें जब मेरे जहन में आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। जब मैं यहाँ पे भी आई अपनी तसल्ली के लिए PKLI में और डॉक्टरों से मिली, स्टाफ को देखा, हॉस्पिटल देखा, तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई कि नहीं, ये अच्छे हाथों में है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टरों से मेरी मीटिंग हुई और काफ़ी तसल्ली हुई इस चीज़ की। मैं उन बच्चों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ जिन बच्चों ने ये हिम्मत की है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए आगे आ रहे हैं, तो उन सब बच्चों को मैं सलूट करती हूँ कि भाई आफरीन है इन बच्चों।